हेलो गाइज, अगर तुम मेरे चैनल पर रोस्टिंग देखने आते तो यार सॉरी यार, ये वीडियो रोस्टिंग का नहीं है, ये है कुछ एनिमेशन वालों का। तो अगर तुम्हें रोस्टिंग देखने आते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को यहीं छोड़ दो और विजिट करने के लिए शुक्रिया, अभी तक मैं जिंदा हूँ। वैसे मैंने देखा है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने की जगह उल्टे कम होते जा रहे हैं। मेरी बात सुनो यार, मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ अभी तक। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एनिमी के बारे में, एक ऐसा एनिमी यार जो रिलीज तो हुआ था इंडिया में, और यार रिलीज तो बहुत सारे एनिमी हो चुके हैं मगर हिंदी में डब कुछ ही अच्छी तरीके से हुए थे। ऐसे ये भी हिंदी में डब हुआ था मगर इसके आधे ही एपिसोड हिंदी में डब किए थे और हमेशा ही बकचोदी की तरह ये बीच में ही बंद कर दिया था इंडिया में। इस एनिमी के बारे में बताने से पहले मेरी एक छोटी सी बात पर तुम ध्यान देना, तुम में से किसको क्या लगता है कि सबसे पहले जो एनिमी सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किस चैनल ने दिखाया है, हंगामा टीवी ने या फिर किसी और चैनल ने? मैं कहता हूँ ना तो हंगामा ने दिखाया है इतना ज़्यादा, ना किसी सोनिक ने, ना CN, और कोको तो कभी एनिमी को टेलीकास्ट किया ही नहीं है। सबसे ज़्यादा किसी ने अगर एनिमी टेलीकास्ट करें तो वो करें Disney XD में। भाई देखो 2013 से लेकर 2017 तक जब तक मैंने Disney XD देखा है तब तक मैंने देखा है वहाँ पर बहुत सारी एनिमेशन की बेस्ट बेस्ट सीरीज दिखा देते हैं, जैसे कि B1 क्रॉस वायर जिस सीरीज के बारे में आज बात करने वाला हूँ, और Digimon क्रॉस वार, बेब्लेड, और मार्वल्स की भी क्या कहते एजेंट ऑफ स्मैश हल्क वाली सीरीज आती थी, और स्पाइडरमैन की सीरीज शायद वो आज भी दिखाते हैं, और बहुत सारी एनिमेशन की बेहतरीन बेहतरीन शोज थे वो टेलीकास्ट करते थे। पर 2017 के बाद उन्होंने भी एनिमी दिखाना बंद कर दिया, अब ना के बराबर एनिमी दिखाते हैं क्यों? अब देखो उसकी भी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन लोगों को भी पता चलेगा कि इंडिया में जो बच्चे हैं वो केवल बेकार शोज को देखना ही पसंद करते हैं, जैसे कि मोटू पतलू छोटा भीम, और उन्होंने भी अपने खुद के मोटू पतलू टाइप में शो निकालना शुरू कर दिए। अब Disney XD पर जाकर तुम देखोगे तो जब भी तुम उसका चैनल खोलोगे तब तुम्हें केवल दो ही शो नजर आएंगे, एक तो गॉन द स्टोन एज बॉय और एक अल्ट्रा भी। अब तक ये तो भी Disney XD की बात, मेरे हिसाब से Disney XD ही एक ऐसा चैनल है जिसमें इतना दम है जो एनिमी को इंडिया में ला सकता है और इंडिया में टेलीकास्ट कर सकता है, पर हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। मगर इस चीज़ के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, आज हम बात करेंगे अपनी सीरीज के बारे में जिसका नाम है B1 क्रॉस फायर। अब B1 क्रॉस फायर के बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि देखो ये पहला ऐसा जो है जो जापान के लोगों ने खुद अपनी मेहनत से इंडिया में रिलीज करवाया था। वैसे तो ये 2011 में जापान में रिलीज हो गया था मगर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद जापान की खुद इतनी मेहनत के बाद यार यहाँ पे रिलीज करवाया था 2013 में, मगर हमेशा की बकचोदी की तरह ये भी आधा ही अधूरा रिलीज होके रह गया, इसके पूरे एपिसोड कभी आ ही नहीं पाई, हिंदी में डब हुई नहीं पाई। अब उसके साथ दिक्कत क्या बनी, देखो इस शो को कभी किसी ने सपोर्ट नहीं दिखाया, इस शो को सपोर्ट दिखाया तो केवल Disney XD ने। अब Disney XD के संग दिक्कत विचारों के संग क्या थी, Disney XD को बहुत कम लोग देखते थे उस टाइम तक, हम बच्चे लोगों को पता भी नहीं थी Disney XD है क्या चीज़, हमें तो ये भी नहीं पता थी ये चैनल पर एनिमी भी आते हैं, हम केवल उस टाइम तक सोनिक, हंगामा इन दो चैनलों पर अटके पड़े थे एनिमी के नाम पर। एक तो पहले से कम वॉचिंग Disney XD की, ऊपर से इस शो जो नया रिलीज हुआ है इसको भी कम वॉचिंग मिलने लगी, तो इस वजह से ये शो उन्होंने बीच में ही बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें जब वॉचिंग ही नहीं मिलेगी, जब इसके एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं आएंगे तो भाई वो बंद ही कर देंगे, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। पर आज हम देखें तो यार इसके जो आधे हिंदी के एपिसोड थे डब किए थे वो भी Disney XD ने कहीं नहीं छोड़े, सब गायब कर दिए। तुम आज अगर ढूंढना चाहो तो हिंदी में तुम्हें इसके एपिसोड जरा भी नहीं मिलेंगे, हालांकि इसमें इन लोगों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने जो खुद एनिमी बनाया है, B1 क्रॉस फायर वाले इतने अच्छे हैं कि भाई साहब उन्होंने यूट्यूब पे बिना कोई कॉपीराइट के सारी वीडियोस डालने के लिए यार अथॉरिटी दे रखी है हर एक किसी को। तो ऐसे ही किसी रैंडम यूट्यूबर ने इसके 52 एपिसोड, वैसे तो 2 सीजन में डिवाइडेड है, 1 के 26 1 के 26, तो इसके टोटल जो 52 एपिसोड है उसको किसी ने इंग्लिश डब में, इंग्लिश डबिंग भी काफ़ी अच्छी है, इंग्लिश डब में अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उस चैनल की लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर तुम्हें इसको ट्राई देना है, तुम देखना चाहते हो तो तुम जाके देख सकते हो। पर जाने से पहले मैं तुम्हें इसके बारे में इतनी बात बता दूंगा, देखो इस एनिमी के अंदर होता ही है B1 नाम के कुछ एक डिवाइस होते हैं जिनमें ये बैटल करते हैं एक दूसरे से, हर एक डिवाइस का अपना एक बीस्ट होता है, वैसे बीस्ट एक जैसे कि बीस्ट तो मान सकते हैं किसी का लॉयन है, किसी का टाइगर है, ऐसे इसमें कुछ लोगों के 5 बीस्ट हैं मेन, जिसमें वो हैं सारे के सारे ड्रैगन। अब वो 5 ड्रैगन हैं जिनमें से कुछ अच्छे के लिए लड़ते हैं कुछ खराब के लिए, ऐसे ही बीस्ट हैं वो भी कुछ अच्छे के लिए लड़ते हैं कुछ खराब के लिए, तो पूरी स्टोरी ऐसे ही घूमती रहती है। अब देखो मैं यार इसमें भी तुम्हें क्या बताऊंगा, 52 एपिसोड के मतलब यार एक एनिमी में तुम्हें क्या ही रिव्यू दूंगा, तुम इसे खुद देखो, और इसके एनिमेशन भी काफ़ी अच्छे हैं, तुम अगर देखोगे तो मज़ा आना शुरू हो जाएगा, अगर तुमने बेब्लेड देखा है तो यार तुम्हें ये भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जाने से पहले मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो वीडियो डालने में लेट में केवल इसलिए होता हूँ क्योंकि मैं ढूंढता हूँ एनिमी जो इंडिया में रिलीज हुआ हो और उसके बारे में किसी ने बात ना की हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एनिमी ऐसे हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है।